myself Asha Saini class first and second. Okay, देखिए subject हिंदी, subject हिंदी, write the word. आज हम पढ़ते हैं second topic word. क्या है? Write the word. Sorry, write the word. आज second topic है word. कौन सा topic है? Word. फर्स्ट का क्या पढ़ा था? भाषा. क्या था? भाषा. आज क्या है? वर्ण. ठीक है, देखिए वर्ण, वर्ण क्या होता है? देखिए परिभाषा है वर्ण की, मुख से निकली ध्वनियाँ. क्या? मुख से निकली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. जो भी अपन मुख से बोलते हैं, जो भी वर्ण बोलते हैं, क ख ग घ न, जो भी बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, यह भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ है. क्या है भाषा की? अपन ने टॉपिक पढ़ा था भाषा, उसकी क्या है? सबसे छोटी इकाई है. क्या है? सबसे छोटी इकाई है. ओके, इन्हें न तो और छोटा किया जा सकता है और किया जा सकता है और न ही इन्हें टुकड़े किया जा सकता है. इनको न तो छोटा किया जा सकता है और न ही इनके टुकड़े किया जा सकते हैं, तो इसलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं. क्या कहते हैं इन्हें? अक्षर भी कहते हैं. ओके, दोबारा देखिए, मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं. मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं. जो भी वर्ण बोलते हैं अपन, क ख ग न, जो भी वर्ण बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं. ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ हैं. ओके, इन्हें न तो और छोटा किया जा सकता है और है और न ही इन्हें टुकड़े किए जा सकते हैं और न ही इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं. इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं. जैसे देखिए, जैसे देखिए, क प्लस मैं प्लस ले, क्या हुआ? कमल. तो जैसे कि क है, तो क को अपन जैसे ऐसे लिखते हैं, क प्लस इसमें से ए की मात्रा निकाल ली, ए, तो इसको पूरा नहीं बोल सकते, तो इसका टुकड़े भी ना, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं, तो इसको ये भी नहीं बोल सकते आधा क प्लस ए, तो इसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो क्या इसका पूरा वर्ण ही लिखते हैं? क प्लस मैं प्लस ले, तो इस मैं के टुकड़े नहीं कर सकते अपन. तो जैसे मैं है, तो मैं के आधा मैं अलग लगा दिया, प्लस ए की मात्रा निकालने पे आधा हो गया और ए की मात्रा ही निकाल दी, तो आधा मैं थोड़ी बोलेंगे इसको, आधा मैं नहीं बोलेंगे, तो इसको पूरा मैं, ए की मात्रा मिलने से ही पूरा वर्ण बनता है. क्या बनता है? पूरा वर्ण बनता है. तो क्या हुआ? मैं प्लस ले, तो क्या हुआ पूरा वर्ण? कमल. क्या हुआ? कमल. तो अपन इसको आधा वर्ण नहीं बोल सकते ना, तो इसके टुकड़े भी नहीं कर सकते, कह के टुकड़े नहीं कर सकते, मैं के भी नहीं कर सकते, ले के भी नहीं कर सकते, इन तीनों को मिक्स करके क्या बोलेंगे? कमल. क्या बोलेंगे? कमल. जैसे नेक्स्ट देखिए, ने प्लस ये प्लस ने, क्या हुआ? नयन. क्या हुआ? नयन. तो ऐसे ही ये है, जैसे कि अपन ने के भी टुकड़े नहीं कर सकते, ना ने के कर सकते, ना ये के कर सकते, ना ने के कर सकते, तो इनको मिक्स करके बोल क्या बोलेंगे? नयन. क्या बोलेंगे? नयन. ओके, अपन वर्ण के प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज आपको यही लर्न करना है, देखना है, लिखना है. ओके, डू योर होमवर्क इन योर नोटबुक. ओके, थैंक यू.